दोस्तों, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब मुशफिकुर रहीम को हाथ से गेंद रोकने की वजह से आउट दे दिया गया। यह दोस्तों दरअसल बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन जब काइल जेमिसन के गेंद को मुशफिकुर रहीम ने डिफेंड करके अपने हाथों से पीछे ढकेल दिया। हालांकि मुशफिकुर रहीम एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उन्हें ये मालूम था कि हाथ से गेंद को नहीं रोक सकते, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। और फिर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की अपील करने के बाद ऑनफील्ड अंपायर थर्ड अंपायर के पास गए और थर्ड अंपायर ने मुशफिकुर रहीम को आउट करार दिया। और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी द्वारा ऐसी गलती वाकई में हैरान कर देने वाली है। और मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बन गए जो इस तरह से आउट हुए।